मेरे अति प्रियो, कैसे आनंद के साथ रहते हैं? यीशु मसीह का आशीष आपके साथ रहता है। आप चिंता नहीं करना, प्रभु आपके साथ है। इस संसार में मुसीबतें परेशानियां जरूर आएगा, इस परिस्थिति को आपको पार करना ही होगा। परमेश्वर परिस्थिति को बदलेगा। बहुत मैंने विश्वास किया, उस मनुष्य को मैंने विश्वास किया, लेकिन मुझे विश्वास धोखा दिया है। मनुष्य ऐसे ही रहेगा, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन वो दूर चले जाता है। लेकिन हमेशा साथ रहने वाला एक प्रभु है। एक भक्त जो दाऊद नामक भक्त इस प्रकार कहता है, भजन 9 अध्याय का 10वां वचन में, क्योंकि ये यहोवा, तू अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। उनका एक अनुभव था, दाऊद ने जिसने विश्वास किया, वे सब उनके उसका दुश्मन बन गए। दाऊद ने जिसके लिए मदद किया था, वे इनके लिए दुश्मन बन के घात करने के लिए आ गया, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें नहीं त्यागा। इसलिए आनंद से कहता, हे प्रभु, मैंने तुझे खोजा, तूने मुझे नहीं त्यागा। अपने खोजियों को वो नहीं त्यागता। मनुष्य जो है तुम्हें त्याग दिया होगा, मेरे हाथ तुम्हारे लिए बढ़ाया हूं, मैं कभी भी तुझे नहीं त्यागूंगा। सारे परिस्थिति में आपके हाथ को प्रभु के हाथ में सौंप के, हे प्रभु, तू मुझे चलाना है, तू ही प्रभु मुझे अगुवाई करना है, प्रभु तू ही मेरे हाथ पकड़ के अगुवाई करना, ऐसे कहने से परमेश्वर कहेगा, सब त्यागने से भी मैं तुम्हारे संग हूं। और प्रभु कहेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुझे कोई भी त्याग जाने से भी, कोई भी हाथ में छोड़ने से भी मैं तुम्हारे संग हूं ना, जरूर मदद करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, अपने लहू को हमारे लिए कुर्बान के रूप में दिया है। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए घायल हुआ, कांटों से उन्हें मारे हैं। इतने निंदा अपमान को क्यों उसने सहा है? आपसे मुझसे परमेश्वर इतना प्रेम किया है और दुखों को सह लिया है आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए यीशु कहता है, मैं तुझको कैसे त्यागूंगा, कैसे भूलूंगा। इसलिए यीशु को पूरे विश्वास से पकड़ लेना है। सिर्फ यीशु मसीह ही आखिर तक आपको हाथ पकड़ कर संभालने वाला है। सब छोड़ने से भी यीशु कभी भी नहीं त्यागेगा। इसलिए परिस्थिति से नहीं डरना, इसको पार करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए विश्वास से आप बोलिए, हे प्रभु, मैं तुझको विश्वास किया हूं। ऐसे कहने से मन में एक आनंद आएगा, हिम्मत आएगा। ऐसे ही परमेश्वर कहेगा, हे प्रभु, तू मुझसे ज्यादा प्रेम किया है, तू कभी भी मुझे नहीं त्यागेगा, तू मेरे लिए मर के जी उठा है, तू इसलिए कभी भी मुझे नहीं त्यागेगा। मैं विश्वास करता हूँ, स्तुति करता हूँ यीशु के नाम से। आमेन, आमेन।